हमें तो ये तो मालूम ही होगा कि टेक्नोलॉजी कितने कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है एवरी नाउ एंड देन। अभी फूड में भी कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितने फ्यूजन्स हो रहे हैं, फ्रॉम क्यूजिन टू मोड्स ऑफ कुकिंग, सब कुछ चेंज हो रहा है। और उसमें सबसे लेटेस्ट चेंज है द इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स एज वेटर्स। ये ट्रेंड सबसे पहले जापान में शुरू हुआ था और रिसेंटली साउथ इंडिया के एक रेस्टोरेंट में भी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, द रोबोट थीम्ड रेस्टोरेंट। बट ओनर्स को शायद ये सर्विस जल्दी ही स्टॉप करनी पड़ेगी। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। वेयर इज दिस रेस्टोरेंट? ये शिवमोगास दर्शनी होटल है। ये रेस्टोरेंट के पास रोबोट वेटर्स है जो ग्रीट करते हैं गेस्ट को और उनका ऑर्डर लेते हैं और डिलीवर भी करते हैं रिस्पेक्टिव टेबल पर ऑर्डर्ड डिश को। Why they had to stop the services? Sources के मुताबिक रेस्टोरेंट ओनर्स को स्टॉप करना पड़ा सर्विसेज क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा आने लगी। और जैसे ही लोकल में ये न्यूज आई यूनिक फीचर की रेस्टोरेंट की, तो बहुत सारे लोग आने लगे रेस्टोरेंट पे और इतना ज्यादा लोग आने लगे कि लास्ट में बहुत ज्यादा क्राउड की वजह से ओनर्स को स्टॉप करना पड़ा ये सर्विस को। ट्रेंड इन इंडिया। ये चेन्नई बेस्ड रॉबर्ट रेस्टोरेंट बहुत जाना जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्रेंड इंडिया में। फॉर्मली मोमो नाम से जाना जाने वाला रेस्टोरेंट वेंकटेश राजेंद्र और कार्तिक कन्नन का एक को ओन्ड था। इस रेस्टोरेंट में 4 रोबोट वेटर्स का इंट्रोडक्शन हुआ और ओनर्स ने ये रिलॉन्च किया था ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। व्हाई रोबोट्स इन रेस्टोरेंट? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेस्टोरेंट्स में आजकल सिर्फ फूड देना ही काफी नहीं होता, एटमॉस्फेयर बनाना, एक्सपीरियंस रखना कस्टमर हॉस्पिटैलिटी में और ऐसे कुछ ट्रेंड्स जो इजीली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। सोशल मीडिया बस। जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में, दिख रहा था कि रोबोट वेटर फूड को एक फिक्स ट्रे में कैरी करके रिस्पेक्टिव टेबल पर डिलीवर करता है। ये एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि कैसे एफिशिएंसी और नोवेल्टी से अच्छा यूज ऑफ रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया जा सकता है। द ट्रेंड। फूड इंडस्ट्री में रोबोट्स का ट्रेंड आने में थोड़ा टाइम लगा। द यूएस 10 बॉश अम्यूजमेंट पार्क इन नागासाकी जापान इंट्रोड्यूस्ड रोबोट शेफ्स, जो जापानीज गवर्नमेंट से फंडेड था। वो एक ट्रायल प्रोजेक्ट था जिसे ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन से एरियाज फूड वर्ल्ड ऑटोमेशन के लिए बेस्ट है। तो ये फास्ट मूविंग वर्ल्ड में एआई को मोमेंटम मिल रहा है हर एक फील्ड में और इन सब में से फूड ही अनटच था जो अब नहीं रहा। और ये भी एडवेंचरस रहेगा देखने की कैसे रोबोट्स एंटर करते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी वर्ल्ड में भी। तो दोस्तों, अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।